आजाद भारत के इतिहास में पहली बार है कि किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया हो, और वो भी तब जब कोर्ट में कोई गुनाह साबित तक नहीं हुआ। इससे पहले दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया था, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को अरेस्ट किया था, आम आदमी पार्टी के MP संजय सिंह को अरेस्ट किया था, और ये सब लोग आज भी जेल में बंद हैं। मनीष सिसोदिया को 1 साल से ऊपर होने को हो रहा है और सत्येंद्र जैन को तो 2 साल होने को हो रहे हैं जेल में बंद रहे। सबसे हैरानी की बात यह है कि इनमें से किसी का भी गुनाह कोर्ट में साबित नहीं हुआ है। ED का आरोप है कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई इन एक्सचेंज ऑफ अनड्यू बेनिफिट्स दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी के तहत। लेकिन पार्टी की पॉलिटिशियन आतिशी कहती है कि 2 साल से ED और CBI इस केस को इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं, 500 से ज्यादा रेड कर चुके हैं, 1000 से ज्यादा विटनेसेस ला चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी सबूत इन्हें नहीं मिला इस चीज का जो साबित कर पाए कि आम आदमी पार्टी या इनके मिनिस्टर्स ने कुछ गलत किया। मनीष सिसोदिया के लॉयर ने यही चीज बताने की कोशिश करी थी दिल्ली हाई कोर्ट को कि यहाँ पर कोई मनी ट्रेल नहीं है, इनफैक्ट इस पॉलिसी से देश की जनता को फायदा हुआ क्योंकि सरकार का रेवेन्यू बढ़ गया था इस पॉलिसी की वजह से, जिसको बाद में इस्तेमाल किया जा सकता स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई सबूत ही नहीं है तो कोर्ट इन्हें बेल क्यों नहीं दे रहा। इसके पीछे कारण है PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का कानून। स्पेसिफिकली कहा जाए तो 2018 में जो इस कानून में अमेंडमेंट करी गई थी मोदी सरकार के द्वारा, इस अमेंडमेंट में सरकार ने बेल की कंडीशंस बदल दी, बेल लेने को और मुश्किल बना दी। बाकी कानूनों में क्या होता है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, बेल मिल।